खुदा कादिर है कुदरत उसकी सब पे आशिकारा है, वही रज़ाक है माबूद है मालिक हमारा है। किनारा मिल गया अनवार उसको आन वाहिद, आगोश में जिसने पुकारा है। वाजिद सामईन हजरात, आज हम आपको हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज में एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आपको मालूम ही है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हवा पर थी, पानी पर थी, जानवरों पर, जिन पर, इंसानों पर, और सबकी बोलियां आप समझते थे। ये वाकया जो है एक चींटी का वाकया है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे नज़ारा कर रहे थे अल्लाह की कुदरत का, तो देखा एक चींटी आई मुंह में कुछ लिए हुए दरिया के किनारे। फिर दरिया से एक मेंढक आया और उस चींटी को वो अपने मुंह में लेकर दरिया के अंदर गया, और कुछ देर के बाद वही मेंढक फिर दरिया के किनारे उसी जगह पे आया और उसने उस चींटी को फिर वहीं छोड़ दिया। ये मंजर देख रहे थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो उस चींटी से पूछा तू कहाँ जाती है? कहा मैं दरिया के अंदर एक पत्थर है और पत्थर में एक कीड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला उस कीड़े को भी खाने के लिए रिस्क पहुंचाता है, ये काम मेरे जिम्मे है इसलिए मैं इसको करती हूँ और इस काम में मेंढक मेरी मदद करता है। हजरात अब आगे क्या क्या होगा, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला उस पानी के अंदर जो पत्थर है और पत्थर के अंदर एक कीड़ा है उसको रिस्क पहुँचाता है, ये पूरा वाकया सुनिए। कलाम लिखा है जनाब कारी अनवार आलम साहब ने, मौसीकी तरतीब दी है किशोर मल्होत्रा ने, और ये पेशकश है शबनम म्यूजिक की, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए साहब एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया, पूरा सुनकर यकीनन आपको अच्छा लगेगा। ये बात तो है अनवार सुलेमान नबी की, परिंदे जनाब पर रहमत खुदा की थी फिदा इज्जत मुआब पर, जिन्नात और जानवर इंसान तख्त पर रहते थे साथ उनके सुलेमान तख्त पर, उनको यमन से शाम तक ले जाती थी हवा, वापस उन्हें कम वक्त में ले आती थी हवा, हर चीज बात करती थी अपनी जबान में, सबका कलाम आप समझते थे आन में, कहती थी जमीन मुझ में
ये दफीना है माल का, ले जाओ तुम निकाल के जो हो ख्याल का। दरिया बताता मोती जवाहरात का पता, ताबे थी हर एक चीज था हर बात का पता, लेकिन थी अदाई जो हुकूमत थी आपकी, लेकिन थी अदाई जो हुकूमत थी आपकी, लेकिन थी अदाई जो हुकूमत थी आपकी। मखलूक के किरदिगार में शोहरत थी आपकी, मखलूक के किरदिगार में शोहरत, किरदिगार में शोहरत थी आपकी। रब ने अता की उनको वो ऐसे अताई थी, ये शान सुलेमान ने मौला से पाई थी। साथी व हकीकी तो हुकूमत खुदा की है, हर जर्रे जहान पे कुदरत खुदा की है। वो सबको खिलाता है खुद खाता नहीं कभी, बंदों को अपने भूखा सुलाता नहीं कभी। पत्थर में रिज्क देता है कीड़े को शान से, रज़ाकी उसकी छुप नहीं सकती जहान से। ऐसा ही एक वाकया लिखता हूँ दोस्तों, वो तुमको सुनाता हूँ जो पढ़ता हूँ दोस्तों। थे साहिले दरिया पे सुलेमान जलवगर, एक चींटी पे नागहां उनकी पड़ी नजर। एक दाना ए गिजा था हो जैसे कोई समर, मुंह में दबाए उसको वो जाती थी तेज तर। एक एक अदा को उसकी नबी देख रहे थे, एक एक अदा को उसकी नबी देख रहे थे, एक एक अदा को उसकी नबी देख रहे थे। बाशौक सुलेमान समंदर पे खड़े थे, बाशौक सुलेमान समंदर पे खड़े थे, बाशौक सुलेमान समंदर पे खड़े थे। वो चींटी जाकर लब दरिया ठहर गई, जो राह जरूरत थी उसी पर नजर गई। इतने में एक पानी से मेंढक निकल पड़ा, चींटी को देख आबे सता से उछल पड़ा। फैला के मुंह खड़ा हुआ दरिया के किनारे, दिल को हसीन लगते थे साहिल के नजारे। मुंह में वो चींटी गई मेंढक के सहारे, लेकर गया पानी में खुदा खैर उतारे। गायब हुआ पानी में कहीं पर पता न था, पर शौके सुलेमान अभी तक झुका न था। कुछ देर बाद आ गया पानी को चीरता, हर मौजे समंदर की रवानी को चीरता। मुंह अपना आके खोल दिया फिर उसी जगह, दरिया का किनारा था वही थी वही जगह। बाहर निकल के आ गई मेंढक के हल्क से, बाहर निकल के आ गई मेंढक के हल्क से, बाहर निकल के आ गई मेंढक के हल्क से। अल्लाह काम लेता है हर एक खल्क से, अल्लाह काम लेता है हर एक खल्क से, अल्लाह काम लेता है हर एक। उस चींटी से फिर तो सुलेमान ने कहा, ऐ चींटी तू जाना चली आ इधर जरा। खिदमत में आई अर्ज की पैगंबरे खुदा, गलती हुई है मुझसे कोई क्यों तलब किया। कहने लगे मुंह में गिजा ले कर गई थी तू, पानी में जाके सच बता किससे मिली थी तू। की अर्ज समंदर में एक पत्थर फराग है, पत्थर में एक कुदरती हजरत सुराख है। उस संग में एक कीड़ा है जाता नहीं कहीं,
पत्थर के अलावा सुकून पाता नहीं कहीं। इस काम पे खुदा ने मुकर्रर किया मुझे, पहुंचाऊं रिज़्क उसको ये जज्बा दिया मुझे। मेंढक भी है इस काम पे मामूर या नबी, ले जाता है मुझको वो बड़ी दूर या नबी। जब वहाँ कुछ बोलता है कीड़ा वो खुलती है क्या ज़बान। कहने लगी कहता है वो ऐ रब्बे दो जहाँ, पत्थर में जिस तरह हुआ तू मुझ पे मेहरबान। देता है मुझको जिस तरह देना सभी को तू, मोहताज गैर का न बनाना किसी को तू। ये सुन के सुलेमान ने अल्लाह से कहा, खाना में खिलाऊं तेरी मखलूक को खुदा। एक साल की तू मुझको इजाजत देखी बुरिया, फौरन जवाब रब ने सुलेमान को दिया। मुद्दत तवील है ये कभी कर न पाओगे, मखलूक है बहुत मेरी कैसे खिलाओगे। कहने लगे कुछ माँ का इज़न कर अता मुझे, अपने कर्म से तूने बहुत कुछ दिया मुझे। अपने कर्म से तूने बहुत कुछ दिया मुझे, अपने कर्म से तूने बहुत कुछ दिया मुझे। तूने दिए हैं लालो जवाहरात बेहिसाब, है मेरी जात पर ये इनाम से न होगा। खालिके अकबर ने ये कहा, दे एक माह का हुक्म पैगंबर ने ये कहा। रब ने कहा ये भी नहीं बोले तो सात दिन, खाना खिलाऊं तो मेरे बेहतर हो रात दिन। इनकार किया रब ने तो हजरत ने अर्ज की, बस एक दिन ही साहिब दौलत ने अर्ज की। बाहर है ये ताकत से तुम्हारी मेरे नबी, ये एक दिन भी तुम न खिला पाओगे नबी। बोले तो एक वक्त का इरशाद कर मुझे, फजलो करम से मेरे खुदा शाद कर मुझे। ये बात तकब्बुर से न थी दिल का शौक था, दौलत पे कुछ गुरूर न था हाले ज़ौक था। एक वक्त का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया, एक वक्त का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया, एक वक्त का अल्लाह ने उन्हें हुक्म दे दिया। जाओ खिलाओ लफ्ज़े मना जात ले लिया, जाओ खिलाओ लफ्ज़े मना जात ले लिया, जाओ खिलाओ लफ्ज़े मना जात ले लिया। सुलेमान ने उठो, मैदान में झाड़ू तो इसे साफ तुम करो। मैदान साफ करके कहा आगे हुक्म हो, बोले नबी बिछाओ ना बिछाओ बा।
का सब कर लिया जमा, देवों ने बहुत काम किया हो गया जमा। फिर 7 लाख देगे मंगाई जनाब ने, देवों ने की तैयार दिखाई जनाब ने। 22,000 जानवर फौरन जिबा किए, अशियाए ज़ियाफ़त को यूं ही जान लीजिए। सामान सारा मशरिक व मगरिब का आपने, मैदान ज़ियाफ़त में मंगाया था आपने। जब 8 महीनों की मसाफत गुजर गई, जब 8 महीनों की मसाफत गुजर गई, जब 8 महीनों की मसाफत गुजर गई, खाना हुआ तैयार तो मछली उधर गई, खाना हुआ तैयार तो मछली उधर गई, खाना हुआ तैयार तो मछली उधर गई। दरिया के किनारे ही थी ये दावते तो आम, एक मछली आई पानी से लेती खुदा का नाम। कहने लगी वो आके सुलेमान जी मकाम, मैंने सुना है देते हो तुम दावते तो आम। मुझको खुदा ने भेजा है खाना खिलाइए, हजरत ने कहा आइए तशरीफ लाइए। मछली गई और एक ही लुकमा बना लिया, मैदान में जो कुछ भी था सब उसने खा लिया। बोली ये खा के और कहाँ है बताइए, दो लुकमे और चाहिए मुझको खिलाइए। खाली है मेरा पेट अभी तक भरा नहीं, खाती हूँ 3 लुकमे जरा मसखरा नहीं। भर पेट खिलाने को कहा था जनाब ने, 2 लुकमे बाकी कर दिए मेरे हिसाब ने। पैदा हुई हूँ जब से फकत सोचती हूँ आज, पैदा हुई हूँ जब से फकत सोचती हूँ आज, पैदा हुई हूँ जब से फकत सोचती हूँ आज। हजरत की मैं जुबानी में भूखी रही हूँ आज, हजरत की मैं जुबानी में भूखी रही हूँ आज, हजरत की मैं जुबानी में भूखी रही हूँ आज। हैरत में सुलेमान थे मछली से ये कहा, सब खल्क रब के वास्ते खाना था ये बना। ये सारा तूने खा लिया अब कुछ नहीं बचा, भूखी हूँ ये कहते हुए वो हो गई जुदा। सजदे में सुलेमान की पेशानी झुक गई, उनकी जबान हमद इलाही से थक गई। रो रो के कहा प्यारे पैगंबर ने ऐ खुदा, नादानी मुझसे हो गई तू बख्श दे खुदा।